जी, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 एंड 4 दोनों एक जैसे हैं। इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ये ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी और सी से, यानी ए बी प्लस ए सी आ रहा है। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ये भी इसी तरह है, ये ओवर सब्ट्रैक्शन है। तो मैं सिर्फ ये फोर्थ पार्ट करूँगा, ये ए इंटू बी माइनस सी, फिर ए बी माइनस ए सी। जी, ये लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड ए इंटू बी माइनस सी लिखी। अब इनके मैट्रिक्स की वैल्यूज लिखेंगे। जी, तो आपने ए की वैल्यू ये लिख दी और ब्रैकेट के अंदर ये बी लिखा, माइनस लगा के ये सी लिखा। तो आप जानते हैं पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर ये दो मैट्रिक्स है, इन्हें आपने सब्ट्रैक्ट करना है। जी, तो ये ए ऐसे ही उतार लिया, इसका करेंगे 1 माइनस 2 तो आ जाएगा -1, और ये -3, ये -1, -1 है ना, तो ये -4 हो जाएगा। अगला 2 माइनस 1, इसका आंसर आएगा 1, और ये 5 माइनस 3, इसका आंसर आ जाएगा 2। अब आपके पास ये दो मैट्रिक्स हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। जी, पहले एरो लगाए, ये -1 -1 से मल्टीप्लाई होगा, +3 -4 से। जी, इसी तरह ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, और +0 -4 से। जी, अब ये नेक्स्ट जो है कॉलम, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ी स्पेस छोड़ के यहाँ से लिखना स्टार्ट करें। तो पहले आप लिखेंगे -1 × 1, फिर +3 × 2, और उसके बाद 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, +0 2 से। जी, अब आप इसको सिंपलीफाई करके लिखेंगे। जी, तो ये आएगा -1 - 1 को मल्टीप्लाई किया +1, आगे प्लस मल्टीप्लाई माइनस, -3 × 4 = 12 आ गया। और आगे ये 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ -2, प्लस ये 0 × 4 = 0 लिख दिया, और इधर ये -1 आया, +3 × 2 = 6। जी, आगे 2 1 = 2, +0, और अब इन दोनों का आंसर आया -11, तो वो लिखा। इन दोनों का है 6 - 1 = 5, ये 2 नेगेटिव ऐसे ही, और ये 2 पॉजिटिव। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसका नाम मैट्रिक्स नंबर 1 लिख दीजिए। और अब ये ए बी माइनस ए सी फाइंड करते हैं। जी, उसके लिए आपने ए और बी, पहले ए की वैल्यू लिखी और बी की लिखी, माइनस ए और सी, तो ये ए की और ये सी की वैल्यू लिख दी। इन दोनों को अलहदा मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों को अलहदा कर लें। जी, मल्टीप्लाई करने के लिए -1 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो -1 लिख लिया, आगे प्लस था तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर -3 × 3 = 9 आ गया। ये मैं एक स्टेप छोड़ के डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो इधर ये लिखा 2 1 = 2, +0 3 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। और इसी तरह अब इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा 1 - 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, 3 - 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -15 आ जाएगा, और इधर 2 2 = 4, और 0 मल्टीप्लाई होगा तो +0 आ गया। जी, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, तो ये है -1 2 से मल्टीप्लाई होगा -2, +3 आ जाएगा, और इधर आएगा 2 2 = 4, +0 1 = 0, ये आएगा -1 3 3 = 9 प्लस का। जी, आगे आएगा 2 1 = 2, 0 3 = 0। जी, आगे ये -10, ये 2 आ गया, -17 बना, और ये बना 4, आगे माइनस ये लिख दें। जी, तो इसका आंसर आ जाएगा +1, इधर से 4 आ जाएगा, इधर से 8 आ जाएगा, और इधर से 2 आ जाएगा। अब इन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये लिखा -10 - 1 - 2 - 4, और आगे -17 - 8, और फिर 4 - 2। जी, तो अब आंसर इसका -11, इसका -2 आ गया, ये -25, और ये वाला +2 है। जी, तो इसका नाम मैट्रिक्स नंबर 2 रख दें। जी, अब आप ये 1 नंबर मैट्रिक्स, यानी लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, इन दोनों को कंपेयर करें तो पता चलेगा ये -11 और ये 2 वाले सारे इक्वल है, सिर्फ 5 और 25 इक्वल नहीं है। इसलिए आप कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप वही लिख दें जो उस क्वेश्चन में स्टेटमेंट थी, यानी ए इंटू बी माइनस सी नॉट इक्वल टू ए बी माइनस ए सी।